शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ए मुन्ना, बहुत बड़ा दादा समझता है। ए, ए, आज तू सुनेगा, मेरे भाई पिल्ले को मारेगा, हमारा बिजनेस छीनेगा, तू हमारी प्रॉपर्टी को छीन कर जानू चाचा के बच्चों के नाम करेगा। अरे भाई साहब, शूटिंग हो रही है, कैमरा कहाँ, हीरो कौन है? अबे चल फुट, यहाँ असली शूटिंग हो रही है। अरे भाई साहब, असली शूटिंग ऐसे खुलेआम थोड़ी होती है। वैसे आप टीवी सीरियल के एक्टर हैं कि फिल्मों के? अरे फर्क साले, नहीं तो थोड़ी बात रे, ये तो असली शूटिंग है जो आजकल अखबारों में पढ़ता हूँ। मुझे माफ कर दो भाई, डॉक्टर साहब मिलेगी ना? अरे मुझे मुझे नहीं मालूम था भाई कि... अरे अरे अरे, अरे तेरी वजह से मुन्ना मेरे हाथ से निकल गया, मारूंगा एक। अरे ये आपकी है? हाँ, हाँ। ये असली है कि खिलौना? असली है भाई, इसमें गोली भी है। मैं कैसे मानूं, मैं तो चला के देखूंगा, अगर आपको लगी तो असली है वरना। अरे चलाना नहीं। अरे भाई साहब आपकी गलती, असली है। Hold the ball like this. Okay. Right. Just turn it out and roll it. अच्छा, okay. Come on. Like this and. खाना पीना बंद करो और ये मोटी मोटी गोलियां भी खेलना बंद करो। चलो चलो। क्या हो रहा है यहाँ? सुन भाई, मुन्ना भाई इधर आया। तो जहाँ मुन्ना भाई आता है वहाँ कोई नहीं रहता है। कोई नहीं जाएगा, बैठो। क्या बोला तू? दिमाग सटक गया ना क्या? ए, रहने दे सबको। अरे यार तुम इज्जत से बात कर मुन्ना भाई से। ये मुन्ना भाई है? हाँ यही मुन्ना भाई है, सबके भाई। याद रखना राजा, कल तेरी वजह से मेरी जान बच गई, तेरा एहसान मुझ पर है, समझा? है ना एहसान, मानते हो? और देखो तुम्हारे आदमी कैसे धमका रहे मुझे। मांग, क्या मांगता है? जान मैंने बचाई, और मांगू भी मैं? अरे मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है, तो बड़ा कौन हुआ? अरे भाई मेरा ना कोई आगे है ना पीछे है, क्लब में बच्चों को खिलाता हूँ, साथ में खुद भी खेल लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ मेरे पास कुछ है आपको देने के लिए। भाई को रिवॉल्वर दिखा रहा है? अबे दिखा नहीं रहा हूँ, दे रहा हूँ। ये उसका जिसने कल आपको मारने की कोशिश की। हट, किसी ने कंप्लेन कर दी तो मैं फंस जाऊंगा इलीगल हथियार के चक्कर में। ये रख, ठीक है, जब भी अपुन की जरूरत पड़ेगी ना तो मुन्ना भाई को याद कर लेना। ठीक है भाई। चल भाई। हाँ? आप बोलो तो मोटी गोली का खेल खेल के आऊं क्या? क्या बोलता है ये यार, खेल ले मजे ले ले। ए, हमको भी सिखा ना, नाजुक छोकरियों को सिखाता है, हमको भी सिखा। ए बहुत मोटी है ये तो यार। चलो। भैया दैट्स माय ऑर्डर, ओके? भाई देखो कौन आया है। कमिश्नर साहब। सलाम कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब क्या नसीब वाले आप, मुन्ना भाई आपको सलाम कर रहे ले। वरना मुन्ना भाई को आखा शहर 10 बार सलाम करता है। 10 बार। मुन्ना बहुत घमंड है तुझे अपनी ताकत पर। अरे कमिश्नर साहब आपको अपनी वर्दी पे घमंड है, मुझे मेरे ताकत पे घमंड है। हिसाब बरोबर। शायद तुम्हें कानून की ताकत का अंदाजा नहीं है मुन्ना। कानून? भाई ये नाम कहीं सुना सुना लगता है ना। सुना क्यों नहीं भाई, है क्या, है क्या? तेरे को लगता है वो है ना, वो हाथ में तराजू, छोकरी के हाथ में तराजू है ना। अरे रे रे रे, वो जो छोकरी जिसके आंखों में पट्टी है, हाथ में तराजू है। अंधा कानून साहब, पूर्णचंद्र राव की फिल्म थी ना अंधा कानून, अमिताभ बच्चन वाली ना। अंधा कानून। कानून अंधा नहीं होता है मुन्ना, अंधे तो तुम जैसे लोग होते हैं जो कानून को देख नहीं पाते, जो अपनी ताकत के नशे में चूर शहर में जुर्म और क्राइम फैलाते हैं। जुर्म मैं करता हूँ, क्राइम मैं करता हूँ। ये लीजिए कमिश्नर साहब, लगा दीजिए हथकड़ी, ले जाइए मुझे अदालत में। सबूत कहाँ है कमिश्नर साहब? सबूत लाइए ना। सबूत है ही नहीं ना। कितने कमिश्नर आए और गए, लेकिन मुन्ना भाई है ना, माइलस्टोन की तरह उधर ही खड़ा है कमिश्नर साहब। लेकिन मैं तुझे गिरफ्तार किए बिना नहीं जाऊंगा। कमिश्नर साहब, जिस दिन आप मुन्ना भाई के खिलाफ सबूत और गवाह इकट्ठे कर लाएंगे ना, मुन्ना भाई खुद आपके पास आ जाएंगे। जुबान डर जाओ, डर जाओ। हेलो डॉक्टर रस्तोगी। हाँ जी बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार, कौन बोल रहा है? सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा सर, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर, आप कमाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपकी बहन आपसे भी ज्यादा कमाल है। कौन हो तुम? सर आपका होने वाला जीजा। जान से मार दूंगा तुझे। अपनी बहन को विधवा करेगा? चल चल
शट अप। भैया मैं क्लासेस को जा रही हूँ। हाँ तुम बैटमैन हो। अब यूं ही डॉक्टर साहब से मिलने चला आया। बदतमीज, कहाँ से मिल जाता है इन लोगों का नंबर? कमबख्त। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? अरे पता नहीं कौन है कोमल को लेकर के फोन पर उल्टी सीधी बातें करता रहता है ये नालायक। ये आपने ठीक नहीं किया डॉक्टर साहब। क्यों, मुझे बताया तक नहीं? आप मुझे पराया समझते हैं। अरे मैंने कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम तो हमारे फैमिली मेंबर की तरह हो, है ना? एक लड़का आपको परेशान कर रहा है और आपने मुझे बताया तक नहीं? अरे बचपन से मेरा है ही कौन, जब भी सर्दी खांसी जुकाम मलेरिया मुझे हुआ है उसका फ्री इलाज किया आपने। अरे मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकता, ऐसे लोगों से निपटना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, राजा उसे दो मिनट में ठीक कर देगा। क्यों? Excuse me? अगर उसका फोन हो तो मेरी बात कराइएगा। राजा तुम भैया को परेशान क्यों कर रहे हो? अरे मेरे साले हैं, इतना हक तो बनता है। हेलो, तो आप लोगों से मेरी शिकायतें करते फिरते हैं? तुम ए, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मुझे तो ये भी पता है कि इस वक्त तेरी बहन क्लासेस जा रही है। इस बार उसे उठा के साथ फेरे लेके सीधा आशीर्वाद लेने आ जाऊंगा। गोली 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 मार दूंगा तुझे, गोली मार दूंगा तुझे। लाइए लाइए करते रहते हो तुम लोग, मुझे दीजिए। हेलो कौन है बे? मैं राजा। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ 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 क्या हुआ? वो कोमल को उठाने की बात कर रहा था। अरे बाप रे, आप घबराइए नहीं, कोमल को क्लासेस छोड़ने मैं ही जाऊंगा और लेने भी मैं ही जाऊंगा। गुड आइडिया भैया, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अरे भाई कैसे फिक्र ना करें, कौन है ये? अंडरवर्ल्ड का डॉन है, गुंडा मवाली है, मुझे तो भाई बड़ी घबराहट हो रही है। ये लीजिए, मैं हूं ना, आप घबराइए नहीं। चलो कोमल, बाय भैया। देखो कोमल, साधन मैं भी साथ मिले। कोमल देखो क्या सुंदर, वाह दिस ब्यूटीफुल। वेलकम सर, वेलकम मैम। हाँ यार, रिसेप्शन। गुड आफ्टरनून सर। हेलो, गुड आफ्टरनून डॉक्टर रस्तोगी, यू हैव अ रिजर्वेशन फॉर मी? यस सर, श्योर। यस, वन स्वीट एंड वन सिंगल। यस सर। सिंगल रूम? आप लोग सिंगल रूम में कैसे रहेंगे? नहीं नहीं, सिंगल में आप रहेंगे, हमारे लिए स्वीट। गुड बाय। अरे अरे कहाँ चले? वापस इंडिया। क्यों, ये होटल आपको पसंद नहीं आया? होटल नहीं, कमरा। आप स्वीट में रहेंगे और मैं सिंगल रूम में। नौकर हूँ मैं, आपकी मदद के लिए आया हूँ, इनकी खातिर, इनका बॉडीगार्ड बनके मैं चला। अरे अरे, अरे अभी ठीक किया देते हमें। एक्सक्यूज मी। यस सर। मेक दैट टू 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 स्वीट्स। यस, वन फॉर हिम वन फॉर मी। ओके सर। वाह डॉक्टर साहब, फ्री की ऐश करा दी, उनको थैंक यू बोलता हूँ। दिस इज अ फाइन रूम। हेलो डॉक्टर रस्तोगी स्पीकिंग। क्यों बे डॉक्टर, पहुंच गया मलेशिया। तुम यहां कैसे आ गए? जैसे तू आया है, सुना है अपने साथ कोई बॉडीगार्ड भी लाया है? ऐसे 10 बॉडीगार्ड भी रख लेगा ना तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरी बहन से यहीं शादी करूंगा। शट अप। क्या हुआ भैया, वो यहाँ भी आ गया? हाँ यहाँ भी आ गया, और इतनी जल्दी उसे होटल का नाम भी पता चल गया और कमरे का नाम। ये देखो फिर आ गया। अरे हेलो, तुम क्या समझते हो मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करवा दूंगा? डॉक्टर रस्तोगी बोल रहे हैं ना? हाँ मैं बोल रहा हूँ, और तू अगर सामने दिखाना तो तुझे जान से मार दूंगा मैं। देखो रिश्ता लेके तुम आए थे, मैं नहीं आया था। अरे कौन डॉक्टर, डॉक्टर डीडी? यस। अरे भाई साहब आई एम वेरी सॉरी, देखिए माफ कर दीजिए, वो क्या है कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, परेशान कर रहा था कोई टेलीफोन पर, आई एम वेरी सॉरी। अरे पर यार तुम्हें कौन जानता है? जानता तो कोई नहीं, लेकिन मैं शाम को समझाता हूँ ना आपको, कोमल और हम आ रहे हैं ना आपके यहाँ तो बताएंगे आपको। जी वो भी क्या दिन थे, हॉस्टल में इकट्ठे पढ़े, MBBS किया, अब तुम वहां और मैं यहाँ, और बरसों की दोस्ती जो है वो अब रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। एक बात बताइए भाई साहब, कि आपने आज तक शादी क्यों नहीं की? कर लेते तो आपके भी बच्चे होते। ये है ना कोमल, ये मेरी बहन नहीं, मेरी बच्ची है ये। भैया के लायक कोई लड़की देखी हो तो पहले इनकी शादी करवा दीजिए। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, ये हमारी कोई उम्र है शादी करने की? अरे 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 अजीब बात करते हो। अरे यार तुम भड़क थे बहुत हो। अरे आज तुम फोन पे भी भड़क रहे थे। अरे हाँ वो फोन वाली बात क्या थी? अरे हाँ भाई, तुम तो जानते हो कि हिंदुस्तान के लड़के कैसे, मेरा मतलब कहा जाना चाहिए कि मुंबई के आशिक जो हैं वो कैसे होते हैं। एक ऐसा आशिक है वो हमारी कोमल को फोन करके तंग करता रहता है। तुम्हारा जब फोन आया तो मैंने सोचा उसका फोन आ गया। तुम भी कमाल करते हो यार, क्या बताएं। अरे भला उसका फोन यहाँ कैसे आ सकता है? अच्छा भाई तुमने इनकी इंट्रोडक्शन नहीं दी। ये मैं राजा हूँ, इनका और कोमल का बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड? भाई तुम तो मुंबई का माहौल जानते हो आजकल, मैंने सोचा एक बॉडीगार्ड रख लेते हैं, लड़का अच्छा है और अपने मोहल्ले का है,
और फिर मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने मलेशिया की सैर भी हो जाए। ट्राई नो। थैंक यू। ओके ट्राई। आप लोग मुझे बहुत सीधे साधे लगते हैं और खासकर आप तो बहुत ही अच्छे हैं। ओह थैंक यू। सोचता हूँ बता ही दूँ। क्या आप लोग ये शादी करके बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हैं? मुंबई के एक डॉन का दिल आ गया है कोमल पे और उसने डॉक्टर साहब से कहा है कि अगर इसकी शादी कहीं और की गई तो दूल्हे को जिसका दिल कोमल पर आया है और उसने उसने ये कहा है कि जो भी कोमल से शादी करेगा वो उसे। अरे डॉन इंडिया में है, मलेशिया में थोड़ी है। और फिर बेटे लड़की को देख कितनी खूबसूरत है, तुझे ऐसी लड़की दोबारा कहाँ मिलेगी? या ब्यूटीफुल प्रिटी कूल। क्यों भाई साहब, क्या डिस्कशन चल रही है? ये दहेज वहेज की बात तो नहीं हो रही कहीं? कैसी बात कर रहे हैं आप भाई साहब, आपकी बहन तो इतनी सुंदर है कि दहेज तो हमें देना चाहिए। ऐसे करते हैं, दो तीन दिनों में कुछ खास खास लोगों को बुलाकर मंगनी की रस्म पूरी कर देते हैं। क्यों भाई, आई एग्री विद यू कंप्लीटली। क्या हुआ? पापा ने कहा है कि डॉन मलेशिया नहीं आएगा। कूल चिल। डॉन कहीं भी आ जा सकता है, हो सकता है इस वक्त वो मलेशिया में हो।